अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ पैन पिज्जा की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं पिज्जा की। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून खमीर, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑयल। इस सब को हम मिक्स करके नीम गर्म पानी से गूंद लेते हैं। सॉफ्ट सी डो मैंने इसकी तैयार कर ली है। अब इसे हम एयर टाइट बॉक्स में 1 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये राइस हो जाए। सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसमें 2 टमाटर का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पेपरिका, अगर आपके पास पेपरिका ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर लें, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको हम डाल के इसे भून लेते हैं। 5 मिनट मैंने टमाटर को भून लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून केचप के शामिल कर लेती हूँ। पिज्जा सॉस हमारा तैयार है। चिकन तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। लहसुन फ्राई हो गया है। इसमें मैं 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया और इसको क्यूब्स में काट लिया है, ये शामिल कर देते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसको डाल के मिक्स करते हैं और इसे 6 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं। चिकन तैयार हो गई है। इसे मैंने 7 मिनट के लिए पका दिया था। 2 राइस हो चुकी है। अब हम इसके पिज्जे की डो तैयार करते हैं। इसमें आराम से आपके 2 से 3 पिज्जे बन सकते हैं। इसको हम बेल लेते हैं। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं ये डो रख देती हूँ। ये हमने पैन में लगा दिया है। अब इसमें हम होल कर लेते हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा सेक लेते हैं। डो को मैंने दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लिया है। ये देखें, यहां से भी ये सिक गया है। अब जो हमने पिज्जा सॉस बनाया था वो हम इस पे लगाते हैं। सॉस लगा दिया है। अब इस पे हम चिकन डाल लेते हैं। चीज मैंने इस पे डाल दी है। अब मैं इस पे दोबारा से चिकन की लेयर लगाऊंगी। इसके ऊपर ये जेलेपिनो, आप इसकी जगह चाहे मशरूम, ऑलिव, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और शिमला मिर्च। अब इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। अब पिज्जे को मैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढककर रख देती हूँ। 5 मिनट हो गए और चीज मेल्ट हो गई है। पिज्जा तैयार है। इसे जरूर ट्राई करें।